से रोल करेंगे। जैसा मैंने बताया था धर्म स्वातंत्र विधेयक के बारे में, आज बैठक में कैबिनेट के लिए प्रस्तुत करने को जो प्रावधान किया है उसमें 10 साल का प्रावधान सजा का किया गया है। दूसरा, इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उन विवाहों को कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी, इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान, इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त हो जाएगा। और जो पहले मैं बता चुका हूँ कि धर्मांतरण करने के लिए 1 माह पूर्व कलेक्टर को अनुमति देनी होगी जिससे जांच होगी, ऐसा विभाग शून्य घोषित किया जाएगा। और शिकायत पीड़ित माता पिता, परिवार या गार्जियन इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी संस्थाओं को डोनेशन देने या लेने वाले संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त होगा या अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा। और आपको स्वयं सिद्ध करना होगा कि उसने बगैर दबाव धमकी बहला फुसला कर या विवाह धर्मांतरण किया है। इसमें सहयोग करने वाले सभी मुख्य आरोपियों की तरह ही आरोपी मारे जाएं। जाऊं?